दोस्तों, अगर आप भी यूसुफ पठान और इरफान पठान को बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के मुकाबले में भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज और कप्तान सचिन तेंदुलकर ने बारिश के मौसम में लगा दी रनों की बारिश और उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां। तो वहीं पठान ब्रदर्स ने अपने कारनामे से मुकाबले में भारत को दिलाई शानदार जीत। बताएंगे पठान ब्रदर्स के खतरनाक तूफान के साथ साथ रोमांचक मुकाबले की सांस रोक देने वाली हाईलाइट। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आप सभी को क्या लगता है कि यूसुफ पठान, युवराज सिंह और सुरेश रैना में कौन है बेहतर क्रिकेटर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के 14वें मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच खतरनाक मुकाबला देखने को मिला, जहां ये मुकाबला भारत का 4था मुकाबला था। इससे पहले भारत ने 3 मुकाबले खेले, जिसमें से सबसे पहला मुकाबला कानपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने खेला और उसमें जीत दर्ज करी। लेकिन उसके बाद अगले 2 मुकाबले में भारत को खेलने का मौका ही नहीं मिला, जहां वेस्टइंडीज के खिलाफ बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो गया, तो वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 ओवर के बाद मुकाबला बारिश के कारण समाप्त हो गया। परंतु देहरादून के स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला देखने को मिला, जहां पर बारिश का साया मंडरा रहा था। लेकिन बारिश के समाप्त होने के बाद मुकाबले को गीली सतह के कारण देरी से प्रारंभ किया गया, जहां इस मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बारिश के कारण यह मुकाबला 15 ओवर तक किया गया। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा आए और दोनों ने पहले ओवर में मात्र 4 रन बनाए। लेकिन इसके बाद दोनों ने जिस रफ्तार से बल्लेबाजी करी, उसको देखकर तो रोहित शर्मा और क्रिस गेल भी शर्मा गए, क्योंकि दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र पावर प्ले के 5 ओवर के अंदर 62 रन बटोर लिए, जहां सचिन तेंदुलकर ने तीसरे ओवर में मात्र 3 गेंदों के अंदर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 16 रन बटोर लिए और ये पारी आगे भी चलती रही। लेकिन पावर प्ले के समाप्त होते ही अगले ओवर में 65 रन की साझेदारी अंततः गेंदबाज पैरी ने तोड़ दी। दोस्तों, 17 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 118 के स्ट्राइक रेट के साथ 20 रन की मदद से पारी खेलने के बाद बाउंड्री पर नमन ओझा कैच आउट हो गए और पवेलियन को लौटना पड़ा, जिसके बाद बल्लेबाजी करने सुरेश रैना आए। लेकिन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे मास्टर ब्लास्टर इसको फील्ड के द्वारा कॉट एंड बोल्ड हो गए और इस बीच मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 200 के स्ट्राइक रेट से 20 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 40 रन की पारी खेली और टीम को अलग ही अंदाज में आक्रामक शुरुआत दिलाई, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए यूसुफ पठान आए। लेकिन इन दोनों के शानदार प्रदर्शन के बाद रैना ने अपना खाता 1 छक्के और 1 चौके के साथ खोला, परंतु गेंदबाज पैरी ने 10वें ओवर में मुकाबला पलट दिया, जहां इस ओवर में दोनों बल्लेबाज आउट हो गए और जिसमें पहले उन्होंने सुरेश रैना को 8 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 12 रन की पारी खेलने के बाद बैल के हाथों आउट कराया। तो वहीं ओवर के 1 गेंद पर यूसुफ पठान को 11 गेंदों पर 1 चौका और 3 छक्कों की मदद से 27 रन 246 के स्ट्राइक रेट से बना लेने के बाद क्लॉक के हाथों कैच आउट करा दिया और बल्लेबाजी करने स्टुअर्ट बिन्नी और युवराज सिंह आए। तो दूसरी तरफ से स्टुअर्ट बिन्नी 13 ओवर में 9 बॉल पर रन आउट हो गए और स्टुअर्ट बिन्नी ने 11 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन 165 के स्ट्राइक रेट से बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने इरफान पठान आए। तो वहीं भारत की समाप्ति शानदार रही, जहां इरफान पठान ने 9 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 123 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 रन की नाबाद पारी खेली और दूसरी तरफ युवराज सिंह ने 15 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 207 के स्ट्राइक रेट के साथ में 31 रन की ताबड़तोड़ तूफानी बल्लेबाजी कर नाबाद पारी खेली और इसी के साथ 170 रन 5 विकेट के नुकसान पर भारत ने मात्र 15 ओवर में बना दिए। लेकिन 171 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के लिए मुश्किल साबित हुआ, जहां इंग्लैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने मस्टर्ड और मैक्रहन्स आए और जहां पहले ओवर में इरफान पठान ने गेंदबाजी कर 1 चौके के साथ 9 रन दिए, लेकिन अगले ओवर में राहुल शर्मा ने 1 छक्का और 1 चौके के साथ 10 रन पहली 3 गेंदों पर 10 रन बटोर लिए और उसके बाद अगली 3 गेंदों पर 1 भी रन नहीं आया। तो वहीं
अगले ओवर में यूसुफ पठान को 2 छक्के और 1 चौके के साथ 14 रन जड़ दिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजेश पवार आए और अपनी गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। या दोस्तों, राजेश पवार ने 36 रन की साझेदारी को तोड़ दिया और बल्लेबाजी कर रहे मैक्रहेंस 9 गेंदों पर 1 छक्के और 1 चौके की मदद से 12 रन की पारी खेलकर क्लीन बोल्ड हो गए और बल्लेबाजी करने कप्तान बेल आए और 4 ओवर में 39 रन 1 विकेट पर इंग्लैंड ने बना दिए और भारत इस मुकाबले में आराम से जीत गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में जीत का हीरो कौन रहा? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।